उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में बाढ़ की समस्या एक बड़ी समस्या है, जिससे हर वर्ष भारी नुकसान होता है। इस वक्त बहराइच में बाढ़ की समस्या जारी है। ऐसे में बाढ़ प्रभावित लोग काफी प्रभावित हैं, जिसको समझते हुए आज बहराइच में समाजवादी व जनवादी पार्टी ने संयुक्त रूप से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। वहीं इस विषय पर समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष राम हर्ष यादव ने जानकारियां दी। बहराइच जनपद की चार तहसीलें बाढ़ की विभीषिका और बरसात से पूरा किसान तबाह हो गया है। उसकी धान की फसलें बर्बाद हो गई हैं। नदी के कटान में तमाम किसानों के खेत कट गए और खेत के साथ साथ बड़ी संख्या में किसानों के मकान कट गए, वो जमींदोज हो गए हैं। और सड़कों पर महीनों से डेरा डाल करके सड़कों पर गुजर बसर कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ, उनके खाने के लाले पड़े हैं और आज तक सरकार ने उनको ना बसने की कोई जगह दिया है, ना उनको कोई खाने पीने का उनके कोई इंतजाम कराया है, ना उनकी फसलों का नासूई फसलों का कोई मुआवजा दिया है। इसी संबंध में हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल जी को संबोधित एक ज्ञापन समाजवादी पार्टी और जनवादी पार्टी के तत्वाधान में मिल करके दिया है कि किसानों की समस्या बहुत कठिन है, इनका जीवन बहुत दुष्कर हो गया है, पूरा किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया जाए, उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए और उनके जो मकान गिरे हैं, जो उनकी फसलें नुकसान हुई हैं, जो उनके खेत कट गए हैं, वो सारी की सारी भरपाई राज्य सरकार करे। इसी बात को लेकर के हमने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन राज्यपाल को दिया। कल मंत्री जी आए, जमीनी हकीकत नहीं देखी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बाबा हैं, एक बाबा जी को शंख मिल गया था तो उसमें भगवान ने कहा था इसको बजाओगे उतना वो दे देगा। इन बाबा जी के पास जो शंख है वो बजता है लेकिन देता कुछ नहीं है। तब लोग पूछने लगे, बाबा जी आप शंख बजाते हो, मिलता कुछ नहीं है? तब बाबा जी ने कहा, इदम शंखम नास्ति, इदम बदाम ददाम ना, ये शंख वाला नहीं है, ये ढपोल शंख है, ये बजता है देता कुछ नहीं है। यही कहना। कितनी जनता प्रभावित है बाढ़ क्षेत्र में? चार तहसीलों में मैं समझता हूँ कि कम से कम 10 लाख किसान प्रभावित हुए हैं। और इसके अलावा जहाँ नहीं बाढ़ आई है वहाँ भी इस बरसात की वजह से जो धान के खेतों में जलभराव की समस्या हुई है, सारा पका हुआ धान या कटा हुआ धान खेतों में लगा हुआ था, सारे जहाँ बाढ़ग्रस्त एरिया है वो तो पूरी तरीके से तबाह हो गया है। और 80% वहाँ भी नुकसान हुआ है, जहाँ बाढ़ नहीं आई है वहाँ के भी किसान पूरी तरीके से उनकी खेती चौपट हो गई है। अब प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन कह रहा है कि भाई हम तो जब वो फसल का उनका कटवाएंगे और उसका निकलेगा यूरिस तब हम इनको मुआवजा देंगे। तो इस प्रकार तो आज भूखों मर रहा है आदमी, मुआवजा पता नहीं कब दोगे। एक महीना पहले लोगों के मकान कट गए हैं, आज तक पैसा नहीं मिला है। समाजवादी सरकार में तीसरे दिन पैसा मिल जाता था इन सब चीज़ों का।